हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एमओ डायग्राम्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल और लिथियम मॉलिक्यूल की बात कर ली है। अब बात करते हैं बेरिलियम मॉलिक्यूल की, Be2 मॉलिक्यूल। बेरिलियम मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो यहाँ पर बेरिलियम मॉलिक्यूल जो है वो दो बेरिलियम के एटम से बनेगा। पहला है बेरिलियम एटम 1 और दूसरा है बेरिलियम एटम 2। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेरिलियम की, तो वो हो जाएगा 1s2 2s2। तो जो अभी लिथियम के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया था बिल्कुल वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। चलिए इसको केयरफुली ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी एक्सिस आएगी, ये आपकी एनर्जी एक्सिस है। तो ये जो है वो आपकी एनर्जी एक्सिस हो जाएगी। यहां पर आपके पास 1s ऑर्बिटल आ जाएगी बेरिलियम एटम 1 की। ये 1s ऑर्बिटल है बेरिलियम एटम 1 की, बेरिलियम एटम 1, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर 2s ऑर्बिटल आ जाएगी किसकी, तो 2s ऑर्बिटल आ जाएगी अगेन बेरिलियम एटम की। यहां पर आपके पास बेरिलियम एटम 2 की 1s ऑर्बिटल आएगी, यहां पर बेरिलियम एटम 2 की 2s ऑर्बिटल आ जाएगी, बेरिलियम एटम 2 की 2s ऑर्बिटल आ जाएगी। दिस इज 1s एंड दिस इज 2s, ठीक है। इधर लिख देता हूं बेरिलियम एटम 2, इधर लिख देता हूं बेरिलियम एटम 2। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास दो टाइप की ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। पहला है बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है दोनों ही ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। और दूसरी जो ऑर्बिटल है वो है एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पर भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी, जिसको हम एक्चुअली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और यहाँ पर ज्यादा एनर्जी बनेगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ABMO। यहाँ पर 1s की BMO है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिग्मा 1s, 1s की बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। उसके बाद ये 1s की एंटी बॉन्डिंग है इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये 2s की बॉन्डिंग है मतलब इसको बोलेंगे सिग्मा 2s, और ये 2s की एंटी बॉन्डिंग है इसलिए इसको बोला सिग्मा स्टार 2s। अब बेरिलियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1s में और 2s में, 1s2 2s2। यहाँ पर भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1s2 2s2। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने के हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। तो इस तरीके से आपका एमओ डायग्राम आ जाएगा बेरिलियम मॉलिक्यूल का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा बच्चों, चेक करो, सिग्मा 1s का 2, दैट इज सिग्मा 1s स्क्वायर। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा 2s का स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर। सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 इनटू ब्रैकेट Nb-Na। Nb में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2 और इधर 2, तो ऑल टुगेदर कितने हो जाएंगे 4, 1/2 ब्रैकेट में 4 लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, स्टार में नहीं कितने के, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे स्टार वाले में भी 2 और 2 4 ही है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर की सिग्निफिकेंस में पढ़ा था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट होता है,
मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको कोई वैसे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछेगा नहीं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कमेंट करना हो तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। देखिए सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर पेयर्ड हुए, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका नेचर जो है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे बेरिलियम मॉलिक्यूल की, Be2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम एमओ डायग्राम पढ़ लेते हैं कार्बन मॉलिक्यूल का, C2 का, ठीक है। B2 का मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो आप खुद से कर लेते हैं। अब मैं सीधा आ जाता हूँ कार्बन के ऊपर, ठीक है। कार्बन का मॉलिक्यूलर एमओ डायग्राम, दैट इज एमओ डायग्राम हमें पढ़ना है। तो देखो बच्चों, पहले कार्बन का डायग्राम पढ़ा देता हूँ, उसके बाद उस इंपॉर्टेंट मोड को बताऊंगा आपको। यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल, तो C2 मॉलिक्यूल दो चीजों से बना हुआ है, पहला है C1 एटम और दूसरा है C2 एटम। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन की बात करें तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। चलिए अब इसके एमओ डायग्राम को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। अगर हम एमओ डायग्राम की बात करें तो पहले तो यहां पर एनर्जी की एक्सिस आ जाएगी, एमओ डायग्राम थोड़ा बड़ा है इसे मैं कॉम्पैक्ट लिखूंगा इसको बहुत। ठीक है, यहां पर आपकी एनर्जी एक्सिस है, ये आपकी एनर्जी की एक्सिस है। सबसे पहले तो इधर आपकी 1s ऑर्बिटल हो जाएगी कार्बन एटम 1 की, उसके बाद यहां पर 2s ऑर्बिटल हो जाएगी, ठीक है 2s, और उसके बाद यहां पर आपकी 2p ऑर्बिटल हो जाएगी 2p, ठीक है। तो 1s के बारे में, यहां पर भी आपकी 1s होगी, यहां पर भी आपकी 2s होगी और यहां पर भी आपकी 2p होगी। ये दोनों एकदम लाइन टू लाइन होनी चाहिए। अगर आप नोटबुक में इसको ड्रॉ कर रहे हो तो स्केल लेकर के ड्रॉ करना। मैंने पूरा पूरा ट्राई किया है कि ये स्ट्रेट लाइन में आए, बराबर। अच्छा, 1s की यहां पर ये कौन सी है, तो ये कार्बन एटम 1 है, ये कार्बन एटम 1 है, और इसकी अगर बात करो तो ये कार्बन एटम 2 है, ठीक है। तो 1s के कॉम्बिनेशन से आपके पास पहले तो BMO आएगी और उसके बाद यहाँ पर पहले तो BMO मतलब नीचे आएगी और उसके बाद हायर एनर्जी वाली ABMO आएगी। इसको इस तरीके से जोड़ दो इसके साथ, ठीक है। ठीक है, ये BMO हो गया। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s पहले सिखा चुका हूं। उसके बाद 2s आएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी सिग्मा 2s, ये हो जाएगी सिग्मा स्टार 2s। इतना तो समझ में आ रहा है। अब p के लिए आपको पता है कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला है यहां पर पाई 2px पाई 2py, दूसरा है यहां पर सिग्मा 2pz। उसी तरीके से इधर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और एक पार्ट इधर आएगा। ये आपको याद कर लेना है, ये रटाफिकेशन वाला टॉपिक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर ये जो है दैट इज सिग्मा सॉरी पाई 2px, ये जो है दैट इज पाई 2px पाई 2py, ये पाई 2px पाई 2py। उसके बाद यहां पर ये जो है दैट इज सिग्मा 2pz, x और y आ गए, z बची उसको सिग्मा बोला। यहां पर उसका स्टार पाई स्टार 2px, यहां पर पाई स्टार 2py, यहां पर पाई स्टार सॉरी
सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऑब्वियसली एनर्जी का डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की बात करें तो 1s के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है बिल्कुल, मॉलिक्यूल के तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे, 2, 4, 6, 8 तो हो गया। अब दोनों की एनर्जी सेम है तो पहले उनको सिंगली ऑक्यूपाइड रखो, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10, उसके बाद उनका पेयरिंग करो 11, 12। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका एमओ डायग्राम हो गया कार्बन मॉलिक्यूल का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद है पाई 2px 1 equivalent to pi 2py 1। देखो बच्चों इन दोनों की एनर्जी सेम है इसलिए मैंने equivalent to लिखा, फिर sigma 2pz, sorry दोनों के बीच में 2 है ना, pi 2px 2 pi 2py 2, sigma 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, फॉर्मूला लिख दो 1/2 into bracket nb minus na, 2, 4, 6, 8, 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, वापस 2, 4, 6, 8, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है स्टार बिना की। अब स्टार वाली गिन लो, 2, 4, 4 जो है वो स्टार में है, तो 4/2, तो 4/2 मतलब कि 2, तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया बच्चों, 2। वापस से चेक कर लो, 2, 4, 6, 8 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 8, बराबर एंटी बॉन्डिंग में 2, 4, तो 2 कार्बन एटम के बीच में यहाँ पर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पैड अप है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब बच्चों इसी एमओ डायग्राम के अंदर मैं आपको N2 मॉलिक्यूल का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो होमवर्क में दे रहा हूँ, चीज ये की यही रहेगी, खाली यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 हो जाएगा, यहाँ पर 2p की जगह पे 3 हो जाएगा, 2p2 की जगह पे 3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा इधर भी, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर के पूरा का पूरा एमओ डायग्राम वही रहेगा, जैसे इधर आपने 12 इलेक्ट्रॉन अरेंज किए उधर आपको 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के रहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा और मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक आएगा, उसको आप होमवर्क में कंसीडर कर सकते हो, बराबर। देखो बच्चों ये एमओ डायग्राम का फिक्स पैटर्न है जिसको आपको याद करना है, ये पैटर्न नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक सही है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक सही है, बट नाइट्रोजन के बाद अगर आप जाओगे दैट इज आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करो, अगर आप एमओ डायग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करो या Ne2 मॉलिक्यूल की बात करो या F2 मॉलिक्यूल की बात करो, मतलब बियॉन्ड नाइट्रोजन जाओगे तो ये एमओ डायग्राम चेंज हो जाएगा। वापस अगर मैं आपको बोलूं H2, Ha2, Li2, Be2, C2, N2, B2, तब तक ये एमओ डायग्राम सही है, मतलब नाइट्रोजन लेट में लेट नाइट्रोजन तक ये एमओ डायग्राम सही है, फिर गलत हो जाएगा, जी नहीं, एमओ डायग्राम वही रहेगा, खाली इसके अंदर एक छोटा चेंज आ जाएगा, कौन सा छोटा चेंज, इधर फोकस करो, ये पाई 2px पाई 2py है ना वो ऊपर चली जाएगी सिग्मा की जगह पे और सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगी, बस इतना ही चेंज, बाकी का पूरा फ्रेमवर्क वैसा का वैसा ही रहेगा, समझना, ये ऐसा का ऐसा ही, ये ऐसा का ऐसा ही, ये भी ऐसा का ऐसा, लेकिन पाई 2px पाई 2py है ऊपर चली जाएगी सिग्मा 2pz की जगह पे और सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगी,
क्लियर हो रहा है, बाकी ऊपर वाला एज इट इज ही रहेगा। चलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एनोड डायग्राम करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। याद रखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक ये फ्रेमवर्क है, नाइट्रोजन के बाद जैसे ऑक्सीजन शुरू होता है उसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए थोड़ी सी अलग फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई को आप इंटरचेंज कर दोगे। चलिए चेक करते हैं, तो आपको बोला है एमओ डायग्राम फॉर O2 molecule के लिए MO diagram बनाओ। चलिए बना देते हैं। O2 molecule आपको पता ही है कि O2 molecule दो oxygen atom से बना है, O1 plus O2। oxygen का configuration होता है 1s2, 2s2, 2p4। ये चीज भी हम जानते हैं, 1s2, 2s2, 2p4। यहाँ पर आपकी energy axis आएगी, ये आपकी एनर्जी एक्सेस हो गई। यहाँ पर लिख भी देते हैं एनर्जी, यहाँ पर ऑक्सीजन की 1s ऑर्बिटल आएगी, 1s, यहाँ पर ऑक्सीजन की 2s ऑर्बिटल आएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल आएगी। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन एटम 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम 1। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम 2 की 1s ऑर्बिटल आएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2 की 2s ऑर्बिटल आएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2p की 2p ऑर्बिटल आएगी। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2। अब 1s के कॉम्बिनेशन से आपके पास दो चीजें बन सकती है, पहला है BMO और दूसरा है ABMO। BMO और ABMO, BMO की एनर्जी कम होती है, BMO की एनर्जी कम होती है, ABMO की ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपकी एक BMO हो गई 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s। ठीक है, चलिए दूसरे में भी वही होगा, इधर BMO बनी और इधर आपके पास ABMO है, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। अगर ऑर्बिटल इधर लिखना चाहो तो इधर 1s ऑर्बिटल आएगी, इधर 2s आएगी और 2p के अंदर इधर 3 ऑर्बिटल आएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए 2p, तो 2p के अंदर मैंने आपको बोला था कि एमओ डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए उस केस में क्या था, पाई 2px, पाई 2py साथ में था ना, इधर ऊपर हो जाएगा, यहां पर ये पाई 2px, पाई 2py और यहां पर सिग्मा 2pz आ जाएगा। चेक करो बच्चों, चेंज चेक करो इधर, यहां पर चेंज में यहां पर सिग्मा 2pz आ गया, पाई 2px इधर, पाई 2py इधर। चलिए ये समझ में आ रहा है, हैंडराइटिंग थोड़े छोटे हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत छोटी सी स्पेस में इसको लगाना है, मैं बोलते जा रहा हूँ साथ साथ में, इसलिए आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी समझने में। और यहाँ पर क्या होगा जो चेक करो, तो यहाँ पर आपके पास इसकी ही स्टार बन जाएगी, स्टार के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो पहले पाई स्टार आएंगी, That is pi star
2px i star 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका फ्रेमवर्क बन गया। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं वो चेक कर लेते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 तो 1 2 3 4 आठ इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। वैसे के वैसे आठ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम 2 के हैं 1s2 2s2 2p4 तो आठ इसके और आठ इसके कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। चलिए दो इधर हो गए 4 6 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 15 16 देखो बच्चों चेक करो दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट होने की वजह से पहले सिंगल ऑक्यूपाइड रखा और उसके बाद पेयरिंग किया। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सिग्मा 1s का 2 सिग्मा स्टार 1s का 2 सिग्मा 2s स्क्वायर सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर उसके बाद सिग्मा 2pz का स्क्वायर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py का स्क्वायर उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py दोनों का ही 1 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हम मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 इनटू ब्रैकेट NB माइनस NA। मैं बॉन्डिंग गिन लो पहले 2 4 6 8 10 12 बॉन्डिंग कितना हो गए 12 स्टार बिना की सब। अब स्टार वाली गिनो तो यहाँ पे 2 4 6 ठीक है यहाँ पर 6 हो जाएगा। एक मिनट वापस से चेक करो इसको 2 4 6 8 10 यहाँ पर बॉन्डिंग में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे ठीक है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे 10। चेक करो वापस 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग में 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में चेक करो 2 4 5 6 तो एंटी बॉन्डिंग में 6 हो जाएंगे तो 10 - 6 दैट इज 4/2 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कितना आ गया 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करोगे चलो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी पैरा मैग्नेटिक आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये तो सब डाया हो गया सबकी शादी हो गई लेकिन ये अभी बैचलर है ऐसे कैसे घूम रहे ना। कहने का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो पैरा मैग्नेटिक है। अगर शादी हो जाती सबकी तो डाया हो जाते लेकिन अभी दो लोगों की शादी नहीं हुई इसलिए पैरा मैग्नेटिक होगी। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरा मैग्नेटिक है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अब मैं आपको दो एमओ डायग्राम को होमवर्क में दे रहा हूँ। पहला है F2 और दूसरा है Me2। दो एमओ डायग्राम बच्चा लोग आप लोग होमवर्क में करोगे और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर तीन चीजों को एक्स्ट्रा कैलकुलेट करोगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एक एमओ डायग्राम तो आता ही है क्वेश्चन में बराबर भले वो अभी के एग्जाम हो या लास्ट वाली एग्जाम हो। तो ये बात हो गई आपकी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है बराबर जो मैं पहले आप इसको लॉन्ग ट्रिक की मदद से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर लो बराबर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा तब उसके पहले ही कुछ कुछ मिनटों में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड की मदद से बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो सिखाऊंगा बराबर। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए कैसे किया शॉर्ट मेथड है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा तब सिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं देखिए तो इट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं
इट इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव या खाली सिंपल एच एटम में लिखती ना लिख दीजिए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एच एटम ऑफ मॉलिक्यूल वन एंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू. नहीं समझ में आया ना, चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं. इट इज द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ मॉलिक्यूल वन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू. चलो एग्जाम्पल देता हूं. सपोज आप यहां पर वाटर ले लो. चलिए वाटर का स्ट्रक्चर आप ट्रायंगल बनाना तो जरूरी नहीं है, मैं किसी भी स्ट्रक्चर में इसको ड्रॉ कर सकता हूँ. यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा. तो बच्चों चेक करो, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड की पेयर को अपने पास बुलाएगा. तो इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज होगा. अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके ऑक्सीजन के ऊपर भी यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल प्लस और यहाँ पर डेल प्लस चार्ज होगा. अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अब डेफिनेशन समझो, एच एटम ऑफ मॉलिक्यूल वन, तो ये मॉलिक्यूल वन है, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू, तो इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन. उन दोनों के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको एच बॉन्ड बोला जाता है. मैंने यहाँ पर आपको जो एच बॉन्ड है वो डॉटेड लाइन से दिखाया है, उसको मैंने आपको डॉटेड लाइन से दिखाया है. याद रखो एच बॉन्ड जो है वो हमेशा जब भी किसी मॉलिक्यूल के पास फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट होंगे तभी ही बनेगा. कहने का मतलब एच बॉन्ड बनने के लिए फोन आना जरूरी है. फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन आएगा तभी ही आपका एच बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो एच बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एच एटम ऑफ मॉलिक्यूल वन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू. देखिए अब जो एच बॉन्ड है वो दो टाइप के होते हैं, बराबर. एच बॉन्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. पहला है इंटरमॉलिक्यूलर, पहला है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग. ठीक है, तो एच बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर. देखो बच्चों इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है और मैं चाहता हूं कि इसको कंटिन्यूअस ही लूं, सो मैं इस सेशन को यहां पर ही कंक्लूड कर रहा हूं. नेक्स्ट सेशन का स्टार्टिंग में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक से करूंगा और उसके बाद आपको एच बॉन्डिंग के दो टाइप बताऊंगा, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर. चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है. ठीक है, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय.